तो इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है, बरी होया जगतार सिंह हवारा। जी हाँ, 18 साल पहला चंडीगढ़ के सैक्टर 17 के विच एक केस दर्ज होया सी। एक केस आर्म्स एक्ट का सीगा कि हवारा दे वल्लों हथियार मुहैया कराए गए ने ते हवारा अपनी अलग तो एक सेना तैयार कर रहा है, बंदे कट्ठे कर रहा है, देश दे विद्रोह दे विच देश दे विरुद्ध साजिशां कर रहा है। इसे चीज़ नूं लैके सैक्टर 17 दे थाने दे विच केस दर्ज होया सी। तां हवारा ते आर्म्स एक्ट लग्या सी, केस दे विच नहीं मिलिया कोई सबूत, जिस तों बाद हुण चंडीगढ़ अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 11 दिन पहला भी इसे तरीके का एक केस सी जिस दे विच जगतार सिंह हवारा बरी होया सी। ते एक बार फिर जगतार सिंह हवारा बरी होया है, बाइज्जत बरी होया है। दोनों केसों दे विच पुलिस नूं कोई भी सबूत नहीं मिलिया ते ना ही कोर्ट दे अंदर पुलिस कोई सबूत पेश कर पाई, जिस करके जगतार सिंह हवारा बरी हो गया है। एडवोकेट अमर सिंह चहल ने हवारा का यह केस लड़िया, पुलिस ने हवारा ते झूठे केस पाए ने, इस तरीके का कहना एडवोकेट अमर सिंह चहल का, जो कि हवारा का एक केस लड़ रहे थे। उन्हों का कहना है कि पुलिस ने सारे जड़े इल्जाम जड़ा केस पाया वो झूठा पाया सी। एक केस पहला भी जड़ा कि 11 दिन पहला जिस जमानत मिली है वह भी केस झूठा पिया सी। जिस तो बाद दस दिए कि पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या दे मामले दे विच उम्र कैद की सज़ा कट रहा है जगतार सिंह हवारा। इस वेले दिल्ली दे जेल दे विच बंद है जगतार सिंह हवारा। दस दिए कि जिहड़े केस दे विच बरी होया है उस केस च धारा 121, धारा 121 ए, धारा 123, धारा 153, धारा 120 अते आर्म्स एक्ट एक्सप्लोजिव एक्ट जगतार सिंह हवारा ते लग्या सी, जिस दे विच हुण बरी हो चुका है जगतार सिंह हवारा। तां वड्डी खबर है, 11 दिन पहला ही इसे तरीके दे एक केस दे विच जगतार सिंह हवारा बरी होया सी। सैक्टर 36 दे थाने अंदर एक केस दर्ज होया होया सी ते पर 11 दिन पहला बरी होया ते एक बार फिर एक होर केस दे विच जगतार सिंह हवारा बरी हो गया है। सैक्टर 17 चंडीगढ़ का जिथे एक केस दर्ज होया सी, चंडीगढ़ अदालत दे विच पिछले 18 सालों तो एक केस चल रहा सी। तां हुण जगतार सिंह हवारा 18 साल बाद इस केस दे विचों बरी हो गया। इस वेले की वड्डी खबर है, अहम खबर जगतार सिंह हवारा नूं लैके एडवोकेट अमर सिंह चहल ने केस लड़िया है ते उन्होंने पुलिस से झूठे केस दर्ज करन दे इल्जाम भी लगाए ने।